बीजेपी के सांसद रवि किशन का बच्चों के प्रति प्यार एक बार फिर से देखने को मिला। रवि किशन जब संसद की तरफ जा रहे थे तभी उन्हें कुछ स्कूली बच्चे सड़क पर भीगते हुए नजर आए। रवि किशन तुरंत अपनी कार से उतरे और उन्होंने न केवल बच्चों को बारिश में भीगने से बचाया बल्कि उन्हें उनके घर तक भी पहुंचवाया। रवि किशन ने ट्वीट करते हुए बताया कि आज मैं घर से संसद के लिए निकला था। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ स्कूली बच्चे बारिश में एक कार के बाहर बैठकर रो रहे थे। रवि किशन ने बच्चों को देखकर कार रोकी और बाहर आकर देखा तो बच्चों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। रवि किशन आगे लिखते हैं कि बच्चों को रोते हुए देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका और तड़के बच्चों के सहयोग में लगकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाया। बच्चे सब घर पहुंच गए। बताया जाता है कि द्वारिका सेक्टर 8 स्थित क्वींस वैली स्कूल के बच्चे छुट्टी के बाद जब वैन से घर जा रहे थे रास्ते में तेज बारिश होने के कारण बच्चों से भरी वैन हादसे का शिकार हो गई। इसके बाद बच्चों को वैन से बाहर निकाला गया लेकिन बारिश तेज होने के कारण बच्चे पूरी तरह से भीग गए थे और रो भी रहे थे। अपनी कार से संसद जा रहे रवि किशन ने जैसे ही देखा कि एक कार हादसे का शिकार है और बच्चे बाहर खड़े रो रहे हैं तो उन्होंने अपनी कार रोकी और खुद बाहर आकर बच्चों को बारिश से बचाया। इसके बाद उन्होंने एक गाड़ी मंगाई और सभी बच्चों को उनके घर पर छुड़वाया। तो देखा आपने बीजेपी के सांसद रवि किशन का बच्चों के लिए प्यार किस तरह से उमड़ पड़ा। इस खबर पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।